नमस्कार दोस्तों, मधुमिता किचन में आप सभी को स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ लाल मिष्टी दही, जो कलकत्ता में बहुत ही फेमस है। हर एक जगह ये लाल मिष्टी दही मिलता नहीं, तो क्यों ना हम लोग घर में ही बना लें। बहुत ही आसान है ये लाल दही बनाना, तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले एक कढ़ाई लेंगे, उसमें मैं 150 ग्राम चीनी ऐड करेंगे पहले शुगर को कैरामलाइज करने के लिए, क्योंकि दही में मुझे लाल वाला दही चाहिए, इसीलिए नेचुरल तरीके से बनाएंगे। गैस को अभी धीमे से कर दिया है, अभी थोड़ा थोड़ा करके हिलाएंगे। दोस्तों, चीनी पिघल रहा है, कैरामेल का कलर आ चुका है, अभी और थोड़ा इसको पकाएंगे, थोड़ा ब्राइट कलर चाहिए मुझे। देखिए दोस्तों, रेडी हो गया है कैरामेलाइज। अभी इसमें मिलाएंगे दूध, 1 लीटर फुल क्रीम दूध लिया है, अभी इसको डाल देंगे धीरे धीरे। दोस्तों, जब भी दूध आप कढ़ाई में डालोगे, बहुत ही सावधानी से और धीरे धीरे डालना है, क्योंकि इस टाइम कढ़ाई बहुत ही गर्म होता है, आपके ऊपर छिटक सकता है। देखिए दोस्तों, अभी दूध को उबालने देंगे ठीक से। अभी 1 लीटर दूध को मैं करीब 600 ml बनाएंगे, तभी दूध थोड़ा गाढ़ा होगा और खाने में भी टेस्ट लगेगा। अभी इसके ऊपर हम डालेंगे बताशा, क्योंकि बताशा इसलिए डालेंगे कि इसमें टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। आप चाहे तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, मुझे बताशा का फ्लेवर बहुत ही अच्छा लगता है। देखिए दोस्तों, दूध रेडी हो गया है, अभी इसको ठंडा करेंगे। देखिए, एक मिट्टी का हांडी मैं लिया है, इधर 2 चम्मच दही लिया है खट्टा वाला, लेकिन ज़्यादा खट्टा नहीं है। देखिए दोस्तों, दूध इधर काफ़ी नॉर्मल हो चुका है, मैं अभी हाथ डालूँगी तो सहन कर सकती हूँ। अभी इसमें डाल देंगे धीरे धीरे, अच्छे से मिला लेंगे, धीरे धीरे मिलाना है। देखिए दोस्तों, अभी इसमें ढक्कन दे देंगे और इसके ऊपर एक गरम कपड़ा रख देंगे, अभी 7 से 8 घंटा ऐसे रहने देंगे, फिर आपसे मिलते हैं। तो दोस्तों देखिए, 7 से 8 घंटा हो चुका है, अभी देखेंगे दही कितना हुआ है। अभी ढक्कन खोलेंगे, अच्छे से सेट हो गया है दही। अभी इसको 1 से 2 घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे ठंडा होने के लिए। देखिए दोस्तों, 2 घंटा हो चुका है, दही अच्छे से सेट हो गया है, ठंडा भी हो गया है फ्रिज से निकलने के बाद। तो अगर ये रेसिपी आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।